स्पोर्ट तो रॉक टेन कैसे आप लोग सब आज दोस्तों अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं मेरा नाम राशिद हिरानी है और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑफ जी हाँ दोस्तों ऑफ एक ऐसा ब्रीड है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पहले जोड़ता नहीं था बट विथ टाइम प्रोग्रेसिंग काफी सारी जो भी ऑफ आ रही हैं वो प्रैक्टिकल हो गई है फैमिली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं रोड पे भी चला सकते हैं भगा भी सकते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स जो थे पहले के वो सॉल्व हो गए तो अब जैसे थार आ गई गुरखा आ गई वेर एज अगर आप हायर एक्सपेंसिव रेंज में जाओगे तो आपके पास आती है रेंगलर व द जी वैगन एंड दे डिफेंडर तो डिफेंडर पर मैं आपके लिए लाता हूँ फाइव डोर वर्जन आज बारी है टू डोर वर्जन की जिसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वैसे ये वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ रोडर्स है इसका जो प्रीवियस जनरेशन आता था मैंने उसको भी एक बार एक्सपीरियंस किया है फॉर अ गुड थर्टी टू फिफ्टी किलोमीटर्स एंड मेरा एक्सपीरियंस वॉज फैंटेस्टिक आज मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसके कंसिडर करना चाहिए या नहीं मोर ओवर अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहे हो या आप हमारे चैनल पर पहले बार आ रहे हो मैं आप एक चीज बता दूं अगर आपको ये वीडियो के बाद क्लैरिटी नहीं आई कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं सीरियस बायर लुकिंग बाय द कार अभी के अभी तो इन दैट केस आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटरऑक्ट्रेन डॉट कॉम स्लैश कैरा कंसल्टेंसी पर जाना है वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है ये एक पंद्रह से बीस मिनट का कॉल रहने वाला है जहाँ आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है ये जो एक्सपर्ट्स है जो आपसे बात करते हैं उन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है और वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और नहीं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद लैंड रोवर डिफेंडर 90। अगर आप इस गाड़ी की ओवरऑल स्टाइलिंग देखते तो काफी यू you नो know, अच्छा रोड प्रेजेंस है इसका और जो पुरानी डिफेंडर है उसके डिजाइन एलिमेंट्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए अब जैसे अगर आप इसके हेडलैम्प देखते हैं तो इसके हेडलैम्प भले ही बॉक्स में लेकिन अंदर सर्कुलर है क्योंकि जो पुरानी डिफेंडर आती थी उसमें आपको सर्क्युलर हेडलैम्प आते थे एंड फ्रंट ग्रिल का भी जो स्टाइलिंग दिया हुआ है वो एक मिक्सचर है पुरानी जो लैंड रोवर डिफेंडर्स आती थी एंड जो नई जनरेशन की लैंड रोवर्स गाड़ियाँ आती है उन सबका एक मिक्स करके एक समवेयर बीच में एक डिजाइन एलिमेंट दे दिया गया है तो जो दूसरी लैंड रोज आती है एंड जो पुरानी डिफेंडर है उसके बीच में समवेयर ये बैठ जाता है ओवरऑल फ्रंट इसका काफ़ी बुच्ची है एंड आप इसको रोड पे मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो इस वजह से आपका ध्यान इस गाड़ी पे जाएगा ही जाएगा एकदम ज़बरदस्त इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस है इनफैक्ट अगर वो ऑपोजिट साइड से भी क्रॉस करेगी आपका ध्यान जाएगा बोलेगी अरे कुछ तो अच्छा बढ़ा गया तो दैट इज़ वेयर दिस व्हीकल स्टैंड आउट इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन साइड से भी जब आप इस गाड़ी को देखोगे तो यहाँ पर आपको वो बॉक्सी लुक कैरी फाउट किया जाएगा uh, जो पुरानी डिफेंडर आती थी वो बहुत ज़्यादा बॉक्सी थी समवेयर आई फील समवेयर क्लोज टू द गुरखा डिज़ाइन और ये वाली जो है ना एकदम मॉडर्न स्टाइलिश यहाँ पर ग्लास का काफ़ी यूजेज किया गया है बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है ताकि एक डिस्टिंक्शन गाड़ी में बन जाए सो so, आप चीज़ें नोटिस करोगे कि इसको 20 इंच के व्हील्स आते हैं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है एंड अगर आपको गाड़ी के अंदर चढ़ना उतरना है तो आपको थोड़ा ऊँचा चढ़ना पड़ेगा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कंपेरेटिवली क्योंकि ये गाड़ी ऊँची है प्लस आपको ऊपर का एरिया जो है जहाँ पीछे का ग्लास एरिया है वहां पे ऊपर की तरफ भी आपको ग्लास दिया हुआ है जो तो आपको यहाँ पे मैचअप करने के लिए एक ड्यूल टोन कलर दिया गया विच इज व्हाइट एंड कलर तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बहुत रहा है nice वैसे अगर आपको नहीं पता तो डिफेंडर के बॉनेट पे चढ़ने की जगह है और आप चढ़ के उस पर खड़े रह सकते हो दो पॉइंट्स है जहाँ पे आप अपने पैर रख सकते हो जिससे वेट जो है बॉनेट पे नहीं जाएगा एंड मान लीजिए आप कहीं सफारी में गए हो और आपको कुछ ढूंढना है मतलब एनिमल ढूंढना है कुछ ढूंढना है तो आपको कहीं ऊपर ऊंचे से देखना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो डिफेंडर में प्लस इसको साइड में भी स्कूप्स मिलते हैं तो लेफ्ट साइड पे स्कूप ओपन है जहाँ पे विंड हवा बेसिकली फॉर बेटर एयर फ्लो एंड सेकंड आपको राइट साइड में जो मिल जाता है स्कूप दैट कैन बी यूज्ड टू पुट इन अ ए स्नोकल इट तो इससे क्या होगा कभी आप ऑफ रोड जाते हो एंड इन दैट केस मैनी केसेस में क्या रहता है पानी के काफ़ी नीचे से जाना पड़ता है आपको यू नो लेक या कहीं में से तो इन दैट केस ये स्नोकल आपको ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि वो हवा खींच के इंजन को हर बार पावर देते रहे ताकि इंजन बंद ना हो जब कहीं भी आप जा रहे हो अब अगर आप इस गाड़ी का रेयर देखते हैं तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे द बिग बल की टायर जो पीछे मिलता है आपको अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देखोगे कि इसके टेल टेलम्स काफ़ी छोटे एंड डिफरेंट है अब पसंद आते हैं नहीं ये आपकी चॉइस है बट काफी डिफरेंट तो लगते हैं इस गाड़ी के टेल लैंप सो so ये इसका मेन टॉकिंग पॉइंट है जो इसका डिजाइन है वो ना केवल बॉक्स ही है बट कहीं ना कहीं अपीलिंग तो है आपका ध्यान तो जाएगा लेकिन वो कुछ अच्छा जा रहा है क्या जा रहा है वो देखे तो सही जरा सो दैट इज वॉट विल हैपन इन द डिफेंडर अब क्योंकि आपको टायर पीछे दिया हुआ तो आपका वो टेल गेट वो स्टाइल में नहीं खुलेगा जैसे आपका यू नो सफारीज एंड सफारी डब्लोज है वो सारी गाड़ियां जो है वैसा नहीं खोलेगा क्योंकि ये बहुत हैवी रहेगा सो इन दैट केस ये साइड ओपनिंग है आपके पास अगर आप इसका बूट स्पेस देखते हैं तो बहुत ज्यादा जगह नहीं है चार या पांच लोग अगर रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनका सामान ले जाने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आपको होने वाली है क्योंकि यहाँ बूट में आपके पास बहुत जगह नहीं है फॉर एन एंटायर फैमिली पर अगर आप डोर क्लोज की बात करते हैं इसमें आपको सॉफ्ट डोर क्लोज है

पर यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्रीमियमनेस नहीं दिखाई देगा एटलीस्ट ऑन द डैशबोर्ड फ्रंट जो आपको ये प्राइस पॉइंट पे जो दूसरी गाड़ी आती है वो ऑफर करेगी पर ये गाड़ी की जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ इंटीरियर जब ड्राइव करूंगा ना तब बताऊंगा आपको क्या इसका खासियत है पर ये गाड़ी मेन बनाई गई है ऑफ के लिए तो यहाँ पे ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए गए जो ज़्यादा ड्यूरेबल है और ज्यादा स्टडी रहे इन दोज कंडीशन एज वेल अब इसकी सीट जो है काफ़ी वाइड है कंफर्टेबल है बनाई का के लिए गई है ताकि आप कोई ख़राब रोड पे जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो गाड़ी चलाने को आपको सीट पे अनकंफर्टेबल ना महसूस हो तो ये सारी चीज़ें रख दिमाग में ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी को बनाया गया ओवरऑल क्योंकि एक लैंड रोड है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत लग्जरी तो रहेंगी देखिए ये गाड़ी जो है ना मेन इसकी लग्जरी के लिए बेची नहीं जाती अगर आपको सिर्फ ये गाड़ी लग्जरी के लिए कोई चाहिए तो ये गाड़ी या रेंगलर या इवन जी वैगन आपके लिए नहीं बनाई गई है ये बनाई जाती है मेजरली उन लोगों के लिए जो ऑफ रोड जाते हैं बट थोड़ा स्टाइल थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट में जाना चाहते हैं तभी ये गाड़ी ज़्यादा महंगी है प्लस इंडिया में इम्पोर्ट होती है तो इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा इंजन की साइज़ देख लो आप ये सारे फैक्टर्स देखेंगे तो वहां पर कॉस्ट गाड़ी का बढ़ जाता है अब इसमें फीचर्स आपको भरपूर आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स है, आ, आ जाते हैं एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस आ जाता है तो गाड़ी जब बनाई गई थी तब ये हिसाब से ये सोचे बनाई गई कि जो भी लोग जाएंगे वो ज्यादा ट्रैवल करेंगे मेजरली सो तो इस वजह से इस गाड़ी में आपको बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे तो डैश मतलब ये जो इंटीरियर है कैबिन एरिया है वहाँ पे आपको एक्जैक्टली नौ चार्जेस मिल जाते हैं दो सेंटर में एक आगे दोनों सीट के पीछे एक एक जहाँ बेसिकली टीवी लग सकती है और यहाँ पीछे के पैसेंजर्स के लिए चार चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए टाइप सी है यू एस बी है डजेंट मैटर आपके पास सारे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है यहाँ पे जो भी आपको चाहिए टू चार्ज योर फोन और कैमरा जो भी चार्ज करना है ना आपके लिए सारे चार्जिंग पॉइंट यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट सो ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है अब यहाँ पे आपको कैबिन काफी बड़ा है एरी है ग्लास एरिया बहुत है तो इस वजह से आपको वो घुटन जैसी महसूस नहीं होने वाला है गाड़ी के अंदर प्लस आप एकदम कमांडिंग पोजिशन में यहाँ बैठ जाते हो फीचर्स की भी कमी नहीं है गाड़ी के अंदर लेदर जो यूज किया गया है सॉफ्ट टच है डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच दिया गया है सिवाय यहाँ पे जहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाता है डोर पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाते है। इस गाड़ी में एक और एक बहुत यूनिक चीज आती है वो है इसका थ्री कैमरा जब आप इसका थ्री कैमरा एक्टिवेट करते हैं तब आपकी गाड़ी का एक टॉप बर्ड व्यू आता है जहाँ पे वो गाड़ी पूरी इनविजिबल हो जाती है ताकि आपको नीचे क्या है वो भी दिखाई दे गाड़ी के This is very helpful, जब आप कहीं off -road situation में जा रहे हो वहां पे ये आपको बहुत हैंडी आ जाता है उसके बाद आपके पास एक कैमरा दी हुई है ऑन योर एंटेना एज वेल जी एंटेना पे आपको एक कैमरा दी हुई है जो आप यहाँ पे अपने आ, आईआर से उसे एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो ये यूजफुल इन दैट सिचुएशन पे आप कोई ऑफ रोड जा रहे हो कोई ऐसी हो ऐसी सिचुएशन पे पे आप बहुत लो जा रहे हो और आपको दिख नहीं रहा है एंड काफी टाइम क्या होता है मिट्टी से जाते हो तो आपका जो पीछे का कैमरा का है वो धूल मिट्टी खा के पूरा काला हो जाता है आपको यूज नहीं कर पाते हो सो इन दैट सिटुए वो ऊपर वाला कैमरा हैंडी आ जाता है अब रियर सीट्स बताते हैं क्या इसमें रियर सीट्स के लिए स्पेस है कैसा है ये लेट्स गो एंड चेक इट आउट ऑलरेड तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसके सेकेंड रो में कैसे जाते हैं जब ये टू डोर वर्जन है सो ऑल वी हैव टू डू इज गो क्लोजर टू द कार एंड यहाँ पे आपको सिर्फ ये पुश करना है एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस ये पूरा आगे जाएगा आपके लिए जितना आगे जा सकता है जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है अब अगर ये मैनुअल एडजस्टमेंट होता तो क्विकली चला गया होता था एंड फ्रॉम यूर ऑल हैव टू डू इज कुछ इस तरीके से मैं इधर पीछे चला गया हूँ अब ये जो फ्रंट सीट है ना मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और मैं यहाँ पीछे बैठ गया हूँ आराम से मेरे पास सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है और सीट रिक्लाइन इतना ही होता है अब सीट का रिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है इट्स डिसेंट इनफ और यहाँ पे आप बैठ के तो जा सकते हो यू नो यू कैन सिट दो लोग तीन लोग भी बैठ जाएंगे इधर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बट इनको थाई सपोर्ट ना बहुत कम है अगर आप यहाँ देख रहे हो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे पैर देख रहे हैं कैसे ऑलमोस्ट पॉइंटिंग उस डायरेक्शन में तो इस वजह से मेरे पास यहाँ थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है एकदम मैं पैर फैला के भी बैठ जाऊँ एकदम मैं अपराइट भी बैठ जाऊँ तो भी मेरे को ज़्यादा थाई सपोर्ट यहाँ नहीं मिल रहा है हेडरूम नीरूम की कमी नहीं है बट थाई सपोर्ट कम है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है पर ये गाड़ी बनाई गई है फॉर एडवेंचर तो इन दैट केस अगर आप कहीं एडवेंचर पे जा रहे हो लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो आपको थोड़ा थकावट जल्दी होगी वरना अगर आ, छोटी मोटी ट्रिप्स कर रहे हो पीछे बैठ के देन इट्स इट्स मोर देन सफिशियंट है अच्छी खासी कंफर्टेबल जगह है बच्चे तो आराम से बैठ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए बड़े भी बैठ सकते हैं बट कंफर्ट थोड़ा कम रहने वाला है यहाँ पे दैट्स अबाउट इट पीछे आपके पास ए सी इवेंट्स है कं कंट्रोल करने के लिए आप अगर कहीं ऑफ रोड जा रहे हो तो आपको यहाँ हाथ पकड़ के बैठने के लिए जगह है प्लस जो मैंने आपको कहा था ना ग्लास एरिया बहुत है गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ग्लास है तो मान लीजिए आप कहीं अफ्रीका के जंगल या कहीं चले गए और आपको जिराफ वाफ देखते हैं तो अब यहाँ से भी आपको वो एक्स्ट्रा नजारा यहाँ से मिल जाएगा सो so, ओवरऑल अच्छी जगह है पीछे आपके पास आमरेस भी है एंड कप होल्डर और हो सब बहुत कुछ है गाड़ी के अंदर तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में फोकस में प्रॉब्लम नहीं है ओनली थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था तो गाइज अभी हम आगे हैं गाड़ी को चलाने के लिए तो यहाँ हम गाड़ी शुरू करते हैं डाल दिए गाड़ी इन द ड्राइव मोड और यहाँ से हम चल दिए देखिए यहाँ पे ना मैं आपको इंजन स्पेक्स ये सब बोल के परेशान नहीं करूंगा आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑफ रोडर है तो आपके पहले दिमाग में आएगा कि ये रोड पे कैसे चलती है आ, टर्निंग कैसा है हैंडलिंग कैसा है वो सब आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे उसके अलावा आपका सवाल कि आएगा कि ऑफ रोड कैसे करती है राइट right? आपके मेन यही दो पार्ट्स है यू यू विल नॉट वांट टू नो कि टॉप स्पीड कितनी है दिस दैट दैट इन मोस्ट केसेस क्योंकि ये गाड़ी अगर इवन इफ यू गो फास्ट यू मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हो गया 240 का यहाँ नंबर लिखा हुआ है ऑन द स्पीडोमीटर सो से 160 180 तो बिना किसी प्रॉब्लम के चली ही जाएगी राइट सो इन दैट केस आपको परफॉर्मेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा आपको इंजन साइज भी काफी बड़ा है इसका सो यू डोंट रियली हैव टू वरी कि यार पिकअप uh, क्या है ये वगैरह क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ बनाई जाती है मतलब मान लीजिए ये तो ये तो बहुत ही नॉर्मल रोड कंडीशन है राइट अगर आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ आपका एक टायर फंस गया वहां पे इसमें इतना टॉर्क हो कि आपको वहां से निकाल सके ये मेन इस गाड़ी का कैरेक्टरिस्टिक है सो so, इस वजह से नॉर्मल रोड पे जो आपको पिकअप चाहिए वो सब में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं एंड क्योंकि ये एक डिफेंडर है आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सो ऑल दोज मैटर्स हैव बीन टेकन केयर वेरी वेल आपको वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है जो चीज मैं यहाँ डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि इसका जो कमांडिंग पोजिशन है ऐसा आपको कमांडिंग पोजीशन बहुत ही कम गाड़ियों में मिलेगा अब जैसे मैं एक काम करता हूँ टैक्सी ये सब जो गाड़ियाँ चल रही है आगे की ट्रैफिक उसके थोड़ा पास जाता हूँ अभी जो सीटिंग पोजीशन है मेरा मेरे को पूरा रोड अच्छे से दिख रहा है इनफैक्ट इंडेवर से भी मैं थोड़ा और ऊंचा बैठा हूँ यहाँ पे सो so, मुझे ना केवल यहाँ की गाड़ियाँ बल्कि और थोड़ा आगे जो गाड़ियाँ हैं वो भी दिखाई दे रही है क्वाइट ईजिली क्योंकि जो मेरा कमांडिंग पोजीशन है सीटिंग का वहां से मुझे ज्यादा बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है तो ये चीज आपको ना केवल हेल्पफुल है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी बट ऑफ रोड में भी आपको विजिबिलिटी आपके चारों तरफ अच्छी होनी चाहिए इसलिए आपको ग्लास एरिया भी काफी ज्यादा है गाड़ी के अंदर तो इस वजह से कहीं ड्राइव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आता है कि गाड़ी शहर में कैसे चल रही है राइट तो अभी हम आपको वो दिखाते हैं हॉर्न सुना देते जरा ठीक है सो so, अब हम चलते हैं विद इन द सिटी देखने को कि सिटी में कैसे चलती है गाड़ी ओवरऑल क्या आपके लिए कंफर्टेबल है गाड़ी सिटी में चलाना है नहीं अब ऑफ होने का एक और एक फायदा मिलता है उसको कि इसका टर्निंग रेडियस जो है ना थोड़ा छोटा हो जाता है ताकि आप छोटे जगह पे भी आसानी से टर्न कर सके और ये चीज हम इसका शहर में भी टेस्ट करेंगे आज सो so, जब आप इसे शहर के अंदर चलाते हो आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको पूरा बॉर्नेट एरिया दिखता है आपके पास 360 कैमरा भी है यहाँ पे सो so, इस वजह से जब आप शहर के अंदर आ जाते हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी अब फिलहाल तो एक खाली एरिया है यहाँ पे मैं इसको नहीं बता सकता हूँ कैसे चलेगी बट जब हम थोड़ा और डेंस ट्रैफिक एरिया में जाएंगे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा कि भाई आखिर में ये शहर के अंदर कैसे चलती है इन रियल लाइफ सिटुएशन साउंड इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है बाहर कहीं ढोल बज रहा था एंड आई डोंट नो आपको कितना सुनाई दिया उसका ढोल सो ओवरऑल साउंड इंसुलेशन गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है एंड धूप भी ये काफ़ी काट लेती है सो so, इसका जो ग्लास है वो यूवी कट ग्लास है तो इस वजह से गाड़ी के अंदर लाइट कम आती है एंड ये एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि अब जैसे डिफेंडर जैसा प्रोडक्ट है ना ये बनाया नहीं जाता कि यार सिर्फ यूरोप में बेचेंगे या यूएस में बेचेंगे इनको पता है ये गाड़ी लेके लोग कहीं भी जा सकते हैं मतलब यूएस के डेजर्ट में चले गए जहाँ बहुत गर्मी है या फिर यू you नो know, कोई कोई लोग अफ्रीका में ले जाते हैं इस गाड़ियों को सो so, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ठंडी गर्मी बारिश बर्फ सारे एस्पेक्ट्स सोच के ये गाड़ियों को डिज़ाइन किया जाता है तो इस वजह से ये गाड़ियों पे जो टेस्टिंग होती है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल लेवल पे होती है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ़ द कार्स अब अब जैसे आप शहर के अंदर आ गए फिलहाल यहाँ पे ये एरिया खाली है इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है सो so, आपको इधर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा क्या होता है बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपको वो शेयर करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब गाड़ी पास में आ जाए कुछ भी हो जाए आधे लोग तो हट जाते हैं गाड़ी की साइज़ देख के ही लोग हट जाते हैं क्योंकि इसका इतना अच्छा रोड प्रेजेंस है इस वजह से आधे से ज्यादा लोग सामने आते ही नहीं है मोस्ट सिटेश में ऐसा होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस आप आराम से इसे चला सकते हो पार्किंग में आपको थोड़ा गेट यूज टू इट टाइप होना पड़ेगा दैट्स द ओनली थिंग वरना उसके अलावा कोई मेरे हिसाब से ऐसा कोई यू नो टिप नहीं है आपके लिए कि कि आपको ये ऐसा करना चाहिए ये ऐसा करना चाहिए अब देखिए वैगन आर ये टर्न में घूम गई हम भी इसी टर्न में घूम जाते हैं हमने थोड़ा लंबा टर्न लिया कंपेयर टू वैगन आर बट काफी आसानी से ले लिया हमने टर्न सो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये गाड़ी शहर के अंदर भी चलाएंगे तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अब यहाँ पे आप देखिए मैं कितना आसानी से निकल गया यहाँ पे जजमेंट करना यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बहुत इजी हो जाता है इस गाड़ी के अंदर अब शहर की तो बातें हो गई अब जाते हैं ऑफ रोड तो गाइज़ यहाँ हम आ गए ऑफ़ रोड करने तो मेरा कैमरा मैं चेंज कर देता हूँ टू ऑफ़ रोड तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटरली क्लियरली दिखाई देगा कि क्या सिचुएशन कैसा है अब यहाँ पे जैसे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ऑफ़ रोड जाने के लिए क्या दिख रहा है आगे आगे क्या पत्थर है सो मुझे ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी उससे एंड अब यहाँ से मान लो अगर मुझे टर्न मारना है तो इन दैट केस मैं काफ़ी ईजीली टर्न मार सकता हूँ थोड़ा रिवर्स जाना पड़ेगा हल्का सा एंड यहाँ से मैं निकल सकता हूँ बहुत इजीली देखिए ये सारे पत्थर दिखा रहा है मुझे तो आई कैन इजीली स्किप जो पत्थर मुझे लग रहा है बड़ा है उसको मैं काफी आसानी से आ, स्किप कर सकता हूँ प्रॉब्लम नहीं होगी एंड अभी यहाँ दिखा रहा है कि खाली पैच है खाली रोड है तो यहाँ मैं आराम से नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ बट जैसे ही मैं और एक खराब पैच पे आ जाऊँ तो देखेंगे आप यहाँ पे तो ये दिखा रहा है देखो इधर एक पत्थर है ठीक है तो, पर वो बहुत छोटा है तो निकल जा पाऊंगा और यहाँ पे अभी देखो ये दिखा रहा है अभी देख रहे तीन पत्थर दिखा रहे हैं यहाँ पर बट यह ये बहुत छोटे पत्थर है ऑलरेडी मैंने इसका हाफ पार कर दिया है so, सो इसलिए मैं यहाँ से आसानी से जा पा रहा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ ये मुझे आगे दिखा रहा है कि एक पेड़ है ओके और ये पत्थर है आगे बड़ा तो मैं यहाँ इधर आगे नहीं जा सकता हूँ ऑल आई हैव टू डू इज रिवर्स रिवर्स में भी अभी अगर आप देखेंगे ना ऑन रोड का अगर कैमरा देखते हैं और अभी ऑफ रोड देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा चीजें दिखाता है ऑन रोड में आपका 360 व्यू दिखाता है तो अब देखिए मैं यहाँ से रिवर्स जाता हूँ पर जैसे ही मैं ऑफ रोड पर वापस जाऊंगा इन ड्राइविंग तो फ्रंट का कैमरा चालू कर देगा अपने आप इन अ फ्यू सेकेंड्स जिससे मुझे बेटर समझ में आएगा कि मुझे कहाँ जाना है सो so, ये एक एडवांटेज आ जाता है व्हेन 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 यू 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 आर गोइंग ऑफ रोड अब अगर आप ऑफ रोड के एक्सपर्ट हो तो ये सब आपके काम के नहीं है बट ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो पहले बार ऑफ रोड जा रहे हैं जिनको डर लग रहा है और साथ में ना आपको यहाँ पे एक और एक चीज मिल जाता है जिससे आप गाड़ी का सस्पेंशन रेज कर सकते हैं तो अगर मैंने ये बटन दबाया तो गाड़ी का सस्पेंशन ऊपर जाते जा रहा है जाते जा रहा है जाते जा रहा है इससे क्या होता है कि अगर कोई बड़ा पत्थर भी रहा तो मोस्ट केसेस में या कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहा यह उसे बिना किसी प्रॉब्लम के पार कर देगा अब देखिए हमने काफी ऑफ रोड किया है डिफेंडर में जिसका मैं आपको वीडियो क्लिप्स डेफिनेटली दिखाऊंगा लेकिन हमें कभी शक नहीं था कि ये गाड़ी ऑफ रोड नहीं कर सकती है मतलब मतलब ऐसे हो गया कि आप बोल रहे हो कि जीप गाड़ी है पर ऑफ रोड के लिए नहीं बनाई गई लाइक द है फॉर एग्जांपल तो उसी तरीके से डिफेंडर भी बनाई गई है कि वो आराम से ऑफ रोड चली जाए देखिए मैं यहाँ पत्थरों पे चल रहा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से गाड़ी चढ़े जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको सो ओवरऑल देखिए डिफेंडर हमेशा से एक केपेबल ऑफ रही है एंड विथ ऑल दीज न्यू केपेबिलिटीज इससे एक एडवांटेज पहले बार ऑफ जाने को आ जाता है उनको एक यू you नो know, एक आ, बोलते हैं ना एक सपोर्ट मिल जाता है एक्स्ट्रा कि यार मेरी गाड़ी ऑफ रोड जाएगी मुझे पता है लेकिन कैसे जाएगी मुझे डर लगता है कैसे ले जाओ तो ये सब की वजह से आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के गाड़ी को बहुत ही आसानी से ऑफ़ रोड ले जा सकते हैं कोई स्ट्रेस नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ अनलेस आप एक यू you नो know, बहुत ऊँची चढ़ान पर चढ़ो तो आपको एक, एक एक्सपर्ट ज़रूर लगेगा जहाँ पे आपको हेल्प लगेगी उसके लिए या गाइडेंस लगेगा या ट्रेनिंग लगेगी वट एवर यू कॉल दैट बट टेक्नोलॉजी की वजह से आपका काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है एंड डिफेंडर में आपको वो सारी टेक्नोलॉजीज मिल जाती है जिससे आपकी लाइफ आसान बन जाए वैसे इससे पहले मैं ये वीडियो आज वैसे इससे पहले मैं आज का ये वीडियो एंड करूँ आपके लिए दो पॉइंट्स और बता दूँ इस गाड़ी का जो आम रेस्ट है उसके नीचे आपको फ्रिज मिल जाती है तो अपना पानी या कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी आप ले जाना चाहते हो अपने साथ तो वो आप रख सकते हैं इसके अंदर साथ में आपको एक भी बता इसका स्टीयरिंग फील जो है ना बहुत अच्छा है इसका स्टीयरिंग फील बहुत अच्छा है थोड़ा स्टीयरिंग का साइज मेरे हिसाब से बड़ा है बट अदर देन दैट मेरी कोई ऐसी नहीं है आई लाइक द फील ऑफ द स्टीयरिंग एंड कितना आसानी से ये टर्न हो जाता है दैट इज वेयर आई गिव इट मोर ब्राउनी पॉइंट्स ऑलराइट गाइस अब वर्डिक्ट की बारी हमने गाड़ी एक्सपीरियंस तो कर ली एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था फॉर्मेंस में ऑफ में कंफर्ट में स्पेस में आपको कहीं पे भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा नहीं नहीं मज़ा आया इट्स अ एब्सोल्युटली फन कार टू बी मोर ओवर आपको पेट्रोल डीजल दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है अ चांस कि आपको आगे चल के हाइब्रिड इसमें मिल जाए इन द कमिंग डेज बट फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वी आर गोइंग टू शेयर दैट विथ यू एट द मोमेंट सो ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी गाड़ी है अगर आपको एक यूनिक कार चाहिए जो आपको एक फोर डोर या टू डोर में मिले माई पिक इज़ एक्चुअली द टू डोर मैं फो डोर इसका शायद इतना ना कंसिडर करूँ बट टू डोर इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली लव टू ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस अगर अगर मुझे अपने लिए एक गाड़ी चाहिए मे बी फॉर माई फैमिली और थ्री टू फोर मेम्बर्स और मेरे को एक्सपेंसिव गाड़ी चाहिए जो स्टैंड आउट करती है जो केपेबल है फगेट ऑफ रोडिंग फॉर वन मिनट ऑफ रोड तो एक कर सकते है, इस बात पे हमें कोई डाउट नहीं है बट जो इसका ओवरऑल अपीयरेंस है जो स्पेस है जो सारी चीज़ें ये ऑफर करती है मेरे हिसाब से दैट्स अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर समबडी लाइक मी एंड मैं ऐसा प्रोडक्ट डेफिनेटली कंसिडर करूंगा अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदी सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद है कि बिग लाइक एंड अगर आपके पास अभी भी सवाल है कि मैं एक कौन सी गाड़ी खरीदू मे बी और कंफ्यूज विद द डिफेंडर एंगलर कुछ और आप कंफ्यूजन में हो आप फोन कॉल पर जुड़ के हमसे अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू गेट ऑन अ फोन कॉल पंद्रह से बीस मिनट का कॉल रहेगा जहां आपके सारे डाउट्स हम क्लारीफाई करेंगे और जो आपसे बात करेंगे वो एक्सपर्ट है उन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू मोटर डॉट कॉम स्लश कार वहां अपने कुछ डिटेल्स भरने जिससे हमें पता चले आपका सोच क्या डायरेक्शन में है आपके लिए कौन सी गाड़ी सही होनी